आइए अजय प्रताप सिंह लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एग्रीकल्चर TGT PGT TA डबल AO AFO के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम प्रश्नों को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको पढ़ाने की कोशिश किया करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी फ्री में चल रही क्लासेस का आनंद उठा सकें। तो देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, आलू किसका रूपांतरण है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने, कि आलू किसका रूपांतरण है। ऑप्शन ए है तने का, ऑप्शन बी है जड़ का, ऑप्शन सी है पड़ का, ऑप्शन डी है फूल का। पड़ मीन्स होता है पत्ती, पड़ का मतलब होता है पत्ती से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, तने से। जो आलू होता है वो तने में, तना ही एक आलू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्या कह रहा है हमारा। फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है। जो फ्लेरिस माइनर होता है ये क्या होता है, ये गेहूं का मामा, हिंदी में इसको कहते हैं गेहूं का मामा, जो आपके ग्रेमनी कुल से संबंधित होता है और गेहूं की फसल में उगाया जाता है। ऑप्शन ए है 2 ग्राम, ऑप्शन बी है 4 ग्राम, ऑप्शन सी है 22 ग्राम, ऑप्शन डी है 40 ग्राम। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 ग्राम होता है। कितना होता है, 2 ग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज शामिल हैं। यह ओराइजा कुल किससे संबंधित होता है, धान के जैसे होते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 30। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 24। ओराइजा वंश में कुल 24 स्पीसीज शामिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्या कह रहा है। अस चावल की बुवाई का समय है। ये ऐसी प्रजातियां होती हैं, ये साल भर उगाया दे, अस अमन बोरो। तो ये होती हैं प्रजातियां चावल की, किसकी हैं, धान की। तो देखिए, ऑप्शन ए है नवंबर दिसंबर, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है मई जून, ऑप्शन डी है मार्च अप्रैल। तो ये आपकी पश्चिम बंगाल में की जाती है वैरायटियां अस अमन और बोरो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर का, क्या हो जाएगा सी, मई और जून में इनकी बुवाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है, पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व होता है। ऑप्शन ए है 1 से कम, ऑप्शन बी है 1 के बराबर, ऑप्शन सी है 1 से अधिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पके आम के फलों का विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका सिलेक्शन अधिक से अधिक मात्रा में हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बैंगन में कड़वाहट के कारण होती है, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है, तो बैंगन आप जानते हैं किस कुल से संबंधित है, ये हमारा सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए है सोलेसोडाइन, ऑप्शन बी है एंथ्रोसाइनिन, ऑप्शन सी है फिनाल्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोलेसोडाइन, जो है बैंगन में कड़वाहटपन के कारण का कारण होता है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दूध का हिमांक होता है, दूध का जो हिमांक कितना होता है? ऑप्शन ए है -0.54 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -0.45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -0.35 डिग्री सेल्सियस, डी है 100.21 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे दूध का हिमांक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -0.54 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 देखते हैं हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन 8 है, पानी का अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक होता है। ऑप्शन है ए है 1.22, ऑप्शन बी है 1.33, ऑप्शन सी है 1.44, ऑप्शन डी है 1.55। तो पानी का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आप सभी ही जानते होंगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है, ये हमारी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर वर्गीज कुरियन या कुरियन को कर दिया है, ऑप्शन बी है डॉक्टर खुराना को, ऑप्शन सी है डॉक्टर MS बर्जिस के, आपको ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी को पता होगा कि किससे संबंधित है, तो ये हमारे हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनका पूरा नाम है, केवल कुरियन भी आ जाए या डॉक्टर वर्गीज केवल आ जाए तो ऑप्शन हमारा इसी पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है, तो बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है बोरान, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है सल्फर। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी, फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी मेहनत से तैयार किए हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा TGT और PGT में सिलेक्शन हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है। सामान्य रूप में से भेड़ों का जीवन काल होता है, जो सामान्य रूप से अपना उनका एक खुद का एक जीवन काल होता है। ऑप्शन ए 8 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 12 से 15 वर्ष, ऑप्शन डी है 15 से 20 वर्ष।
तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 से 12 वर्ष का भेड़ का सामान्य जीवन काल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जिया मेज किसका वानस्पतिक नाम है? तो जिया मेज किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये तो आप सभी लोग ही जानते होंगे, ऑप्शन ए है गेहूं का, ऑप्शन बी है मक्का का, ऑप्शन सी है धान का, ऑप्शन डी है जौ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का का है। और मक्का किस कुल से संबंधित है? ये हमारी ग्रेमनी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन अगला देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 13, IR8 धान की किस्म भारत में कहां से प्रचलन में आई थी? तो जो IR8 धान की किस्म है वो भारत में कहां से प्रचलन में आई थी? ऑप्शन ए है ताइवान, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन ए है USA। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फिलीपींस से आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है P2O5 × 1.4 = P फास्फोरस है, ऑप्शन बी है P2O5 × 0.43 = P, ऑप्शन सी है P2O5 × 0.83 P, ऑप्शन डी है P2O5 × 2.29 = फास्फोरस। तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं कि जिससे फास्फोरस की गणना हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, P2O5 × 0.43 का गुणा करते हैं तब फास्फोरस का गणना होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन, मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है, मृदा में सिलिका का औसतन प्रतिशत होता है, ऑप्शन ए है 24%, ऑप्शन बी है 27%, ऑप्शन सी है 30%, ऑप्शन डी है 32%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27% होता है। तो ये आज के रहे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो हमने आपको कम समय में अधिक बढ़िया तरीके से कराए। आप अगर अच्छा वीडियो चाहते हैं तो कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।